राधे राधे मित्रों, मैं अर्चना अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हाजिर हूँ मैं 29 मई 2020 दिन शुक्रवार के दो दिव्य नए प्रयोगों के साथ। ये प्रयोग मैंने दैनिक गोचर और ग्रह परिस्थितियों के आधार पर तैयार किए हैं। ये प्रयोग आप किसी भी राशि के हों, आप किसी भी लग्न के व्यक्ति हों, आप किसी भी देश में रहते हों, भारत में रहते हों, भारत के बाहर रहते हों, या आप स्त्री पुरुष पर समान रूप से प्रभावी हैं, क्योंकि पूरे विश्व की ज्योतिषी गणनाएं नवग्रह पर आधारित हैं। विश्व की सभी संस्कृतियां इन नवग्रहों को मानती हैं, उन्हीं पर अपने दैनिक गोचर इत्यादि बनाती हैं, तो ये पूर्ण रूप से प्रभावी हैं। ये किसी पूजा पाठ से संबंधित नहीं है, ना ये किसी विशेष धर्म से संबंधित हैं। ये सिर्फ एक सामान्य नवग्रहों पर आधारित प्रयोग हैं जो मैंने आपके लिए तैयार किए हैं, क्योंकि हमारा जीवन भी इन नवग्रहों पर आधारित है और हमारे जीवन में इन नवग्रहों की दशाएं निरंतर चलती रहती हैं। हमारे जन्मांग में अगर इन नवग्रहों में से कोई भी ग्रह कमजोर होगा तो जो प्रतिदिन एक नया उपाय जो दिया जाएगा वो इन नवग्रहों को बल देने के लिए किया जाएगा। धीरे धीरे जब इन नवग्रहों में से जो भी ग्रह कमजोर या पीड़ित होंगे उन्हें बल मिलना शुरू हो जाएगा, तो आपके जन्मांग में भी शुभता आना शुरू हो जाएगी, आपके भी बिगड़े हुए काम बनने लगेंगे। इन प्रयोगों को आपको लगातार ही करना है। आपको दिव्य प्रयोग अमृत की बूंद और साथ में जादू अक्षर दोनों का एक साथ ही प्रयोग करना है और निरंतरता यानी कि लगातार कुछ दिनों तक आप करते रहिए, तभी आपको इनका सुफल मिलेगा। आप स्वयं भी करें, अपने परिवार के सदस्यों को भी प्रेरित करें इन उपायों को करने के लिए, क्योंकि इन प्रयोगों से सिर्फ लाभ ही मिलेगा, हानि की कोई गुंजाइश नहीं है। 24 घंटे बाद, क्योंकि ग्रह बदल जाते हैं, आपको दूसरा एक नया प्रयोग मिल जाएगा। साथ में ही अब लॉकडाउन की स्थिति है, इसके बाद जून के महीने में 3 दिन ग्रहण पड़ने वाले हैं। ग्रह परिस्थितियां दिन पे दिन निरंतर ही खराब होने वाली हैं, तो क्यों ना हम अभी से कुछ ऐसे प्रयोग कर लें जिससे कि आगे जो भयावह स्थिति आने वाली है उससे हमें सामना करने की हमें थोड़ी सी हिम्मत आ जाए, हमारे ग्रह हमें उसमें सपोर्ट करें। साथ में ही आप इन प्रयोगों को करने से आपके अंदर मन की शांति, प्रसन्नता और साथ में आपके कामों में आ रही रुकावटें भी दूर होने लगेंगी। 29 मई 2020 दिन शुक्रवार, आज का राहु काल है 10:35 से 12:15 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ और नया कार्य आरंभ नहीं करना चाहिए। आज का अभिजीत मुहूर्त है 11:45 से 12:35 तक। इस समय आप कोई भी नया और शुभ कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत बूंद में आपको आधा नींबू का रस अपने नहाने के पानी में मिलाना है और उससे स्नान करना है। स्नान के बाद आपको कुछ दाने मिश्री के अवश्य खाने हैं। प्रयोग पूरा हुआ। आज का जादुई अक्षर है फल वाला फा। इस फल वाले फा को आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर यहाँ से लेकर यहाँ तक कहीं भी आप इसको लिख सकते हैं। 24 घंटे तक इसे लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप स्नान करेंगे तो ये धुल जाएगा और जो मैं आपको नया अक्षर दूंगी उसे आप फिर से लिख लेंगे। अगर आप अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पर नहीं लिखना चाहते हैं तो एक छोटा सा प्लेन पेपर ले लीजिए, उस पर लिखकर इस शब्द को आप अपने पॉकेट में रख लीजिए। दूसरे दिन इसे किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, इसे डस्टबिन या नाली में ना बहाएं। और अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल बटन को दबाएं, जिससे मेरा नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलते रहे। साथ में ही 3 लोगों को और को फॉरवर्ड करें, उन्हें भी प्रेरित करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। अपने परिवार के लोगों से भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें। मुझे कम से कम अभी 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग मेरा सहयोग करें, मुझे मोटिवेट करें, जिससे मैं आपको इसी तरह के दिव्य नए नए प्रयोगों के साथ आपके सामने हाजिर हो सकूं। मैंने थंबनेल में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। अगर आप मुझसे अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, मुझसे कोई परामर्श चाहते हैं, तो प्लीज़ आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आज जिनका बर्थडे है या जिनकी हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए दिव्य प्रयोग में आपको पूरे वर्ष सफ़ेद वस्त्रों का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिए। आप उसके लिए आप अपने इनर वियर में साथ में अपर बॉडी पर शर्ट और टी शर्ट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में ही
हल्के सुगंध का परफ्यूम का भी इस्तेमाल करें तो आपका ये वर्ष अति शुभ रहेगा। धन्यवाद। हाजिर होंगी मैं कल फिर दो दिव्य नए प्रयोगों के साथ।